हेलो फ्रेंड, फहद के ब्लॉग में आपका स्वागत है। आज ईद का दिन है तो आपको सभी को ईद मुबारक। तो देखिए, ये ईद का कुर्ता मैंने पहना है, तो बताइए कैसा लग रहा है। कुर्ता ब्लू कलर का, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है कलर ये। तो आप लोग बताइए कैसा लग रहा है ये। तो अभी हम लोग जाएंगे ईद की नमाज़ पढ़ने, मस्जिद नहीं जाएंगे इस बार, जाएंगे ईदगाह, क्योंकि 2 साल हो गए हैं हम लोग ईदगाह नमाज़ पढ़ने नहीं गए, तो इस बार जा रहे हैं ईदगाह नमाज़ पढ़ने, क्योंकि लॉकडाउन नहीं लगा ऊपर वाले के शुक्र से। तो जाएंगे ईदगाह, तो ब्लॉग में बने रहिएगा। आज का फुल ब्लॉग आपको दिखा दें, ईद स्पेशल ब्लॉग, तो बने रहिएगा। तो नाना ने हमें ईदी दे दी है 100 रुपीज़। तो ये रही हमारी फर्स्ट ईदी, नाना ने दे दी है, तो अभी सबसे ईदी मिलना बाकी है। तो ब्लॉग में बने रहिएगा और आज का पूरा ब्लॉग ईद पे होगा, ठीक है। ये सब लोग नहा रहे हैं, पैर नहा रहे हैं, शिशु नहा रहे हैं, भाई लोग नहा रहे हैं, तो आपको दिखाते हैं ब्लॉग में। तो ये देखिए सुबह का मौसम, अभी बजे हुए हैं 6:30। काफ़ी अच्छा सुबह का मौसम रहता है। कभी हम लोग जाएंगे तो आपको दिखाते हैं आज यहाँ सीतापुर की ईदगाह। तैयार हो चुके हैं, तफसीर भाई हैं, आलू, नाना, आलू, तफसीर भाई। कुर्ता अच्छा लगा था भाई, अभी कलर अच्छा आ रहा है, कलर उठेगा मेरे दोनों रंग बिरंगी हो सब, नहीं बढ़िया नहीं अच्छा है, ब्लू भी अच्छा लग रहा है। तो मटेरियल सिवाई घूम रही है, आवाज़ तो बंद कर देते नहीं, वो आवाज़ डाल देते हैं, आवाज़ तो बंद। जी देखिए खोया रखा हुआ है ऐसा, ये फैज है, ईद मुबारक फैज, ईद मुबारक सबको। तो अभी हम लोग जाएंगे नमाज पढ़ने, तैयारी कर रहे हैं, निकल रहे हैं। अरे जाओ ईदी ले लो जाके, इनसे अभी जाएंगे रहे हैं, जाओ जा। तो हमको ईदी मिल चुकी है, भाई जी ने दे दी है, खालू ने दे दी है और नाना ने, तो अब 300 रुपये हो गए हैं ईदी 300। आप लोग बताइए कमेंट में कितनी ईदी मिली। ईदी बांट रहे चाय पी रहे। चेस चेस, ईद मुबारक, ईद मुबारक, ईद मुबारक, मोबाइल लगे पड़े हैं, क्या है तारीख, तारीख लो, ईद मुबारक, तारीख बाय बाय, बहुत ईद मुबारक हो, तारीख को तारीख देखेगा ना, तारीख को बोलो ईद मुबारक, अरे ईद मुबारक, अच्छा ईद मुबारक, आंटी मुबारक, सभी लोग इतना देख रहे, कोई मुबारक। जा रहे ईदगाह, निकल गए, निकलने वाले हैं, आओ आओ चलो, जा रहे ईदगाह की नमाज पढ़ने। रात बजा हुआ है अभी, और 8:30 की अजान है, ये आवाज़ चलती है, हाँ आराम से जाती है। ईदगाह के लिए ऑटो करेंगे यहाँ से, चुंगी चुंगी चल रही है, रिक्शा निकल लिए।
हम लोग ईदगाह, तो हम लोग आ गए हैं अब ईदगाह की रूट पे जा रहे हैं मस्जिद की तरफ। तो ये है ईदगाह, अंदर रूट जाएगा इसके, अभी कम से कम 500 मीटर दूरी होगी यहाँ से। देखिए सब माशाल्लाह इतने जा रहे ईदगाह, तो 2 साल बाद नमाज पढ़ने ईद की हो रही है ईदगाह में, तो काफ़ी लोग आएंगे इस बार नमाज ईद की अदा करने। इधर तो बनाया तो है, जब रोड ब्लॉक ही कर रखी है और क्या, ये सब हम लोगों ने काम किया और क्या, कम ही लगेगी, डर नहीं लगता। तो हम लोग जा रहे हैं इसकी नमाज अदा करने, जल्दी आए इसीलिए आए कि अंदर नमाज पढ़ेंगे। इस बार दुकानें कम लगी हैं, तो अब ऐसा भी क्रेज़ कम हो गया दुकानों का, पहले ज़्यादा रहता था जब छोटे थे तब बहुत। तब हम लोग क्या खाते थे यहाँ पर, अब ये लिया जाना पूड़ी कबाब, पूड़ी कबाब सब चीज़ खाते थे थोड़ा थोड़ा। इस बार काफ़ी रश होगा क्योंकि 2 साल बाद ईद की नमाज़ अदा करी जा रही है, तो हम लोग आ गए ईद का। ये देखिए बुला रहे हैं, जल्दी कीजिए। ये देखिए ईदगाह सीतापुर की। हाँ ये देखो मतलब बाहर कोई होगी नहीं, देखिए माशाल्लाह बहुत बड़ी ईदगाह है अपनी। ये कितना आदमी आया इस बार ईदगाह में माशाल्लाह। हम लोग आ गए हैं, बैठ गए हैं, जगह मिल गई है यहाँ पे, आगे सबसे हम लोग बैठे। ईद की मुबारकबाद देने के लिए जो हम और आप इकट्ठा हुए हैं, उसका मकसद ये है कि हम एक दूसरे से गले मिल करके और एक दूसरे को मोहब्बत का, हमारे मुल्क का हिंदू हो या मुसलमान कोई भी हो, वो एक दूसरे के गले मिल करके एक दूसरे को खुश, एक दूसरे की रवानदारी का और एक दूसरे के पैगाम रसानी का एक दूसरे को पैगाम देते हैं। पैगाम दिया जा रहा है, ऐ हमारे बंधु तुमने रोज़ा रख करके यानी महीना भर रोज़ा रख करके हमको ऐसा राजी कर दिया है और खुश कर दिया है कि अब तुमसे हम ऐसे राजी हो गए हैं कि हमने नमाज अदा हो चुकी है, अब ईद ही मिल रहे हैं, ईद मिलो। छोटी हो गई कांटे बहुत पड़े हुए हैं सब, देखो इतना आदमी आया था माशाल्लाह सब इनकी नमाज में, कांटे बहुत कस के गड़ गए हैं, कांटे पड़े हैं यहाँ। खतरनाक कांटे हैं, बहुत कांटे हैं, कांटे छुड़ा रहे थे भाई जी, ज़्यादा कांटे लग गए, ये भी कांटे छुड़ा रहे, सब कांटे छुड़ा रहे। सब कांटे छुड़ाते हुए जीसू भी कांटे छुड़ा रहे हैं।
तो ये देखिए यहाँ पेड़ लगे हुए, इससे बहुत आराम मिलता है हमें। इतनी बढ़िया जगह बहुत है, इतनी बड़ी, हाँ बहुत बड़ी, बहुत बड़ी मस्जिद है अपने ईदगाह की। तो अब हम लोग फिर घर के लिए निकल रहे हैं, तो नमाज अदा हो गई माशाल्लाह, ये जा रहे हैं घर। लैया चने ले लो, लैया चने ले लो, लो भाई खाओ, बढ़िया फेमस सिरमाल यहाँ की। लो कैसी भीड़ लगी है, बचपन में लोग खाते थे यहाँ लाइन लग के। लैया ले लो, लैया लो, लैया लो। तो ईद की नमाज हो गई मुकम्मल, जा रहे घर, जा रहे घर, घर जाके सिवाई खाएंगे। ब्लॉग में बने रहिएगा, अच्छा लगे लाइक सब्सक्राइब करिएगा। पेड़ देखो, कबाब में लूट मची हुई है भैया, लूट मची, लूट मची, लूट मची। नमाज पढ़ के हम लोग घर, ईद हो गई ईद की नमाज, चलो घर आ गए हम लोग। ये रहा अपना घर, नमाज भी हो गई, ईद भी हो गई, घर इंटर हो गए। अभी हम लोग सिवाई खा रहे हैं ईद की। कैसी सिवाई भाई? बहुत बढ़िया भाई, मज़ा आया सिवाई, बढ़िया है, टेस्टी बढ़िया। ये देखिए ईद की सिवाई खाओ, यीशु ये देखो कितनी बेहतरीन सिवाई लग रही है। क्या नहीं बड़े, रोटी लेने आए, बहुत भीड़ है, एक घंटा हो गया खड़े खड़े, रोटी नहीं मिल पाई अभी। देखिए कितनी भीड़ है, पुराने सीतापुर में हम लोग यहाँ। देखिए पुराने सीतापुर की रौनकें, यहाँ पता चलता ईद है, सब फुल एरिया है अपना। तो देखो कितनी, ओ ये रहा पुराना सीतापुर, भीड़ लगी हुई यहाँ पे भी। तो आज हमने फुल डे एंजॉय कर लिया, ईद हो गई है, बढ़िया माशाल्लाह, बढ़िया दिन गया आज का, रोटी भी ले आए हैं। तो आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं, ठीक है। तो कमेंट करिएगा कैसा लगा ब्लॉग हमारा, और लाइक सब्सक्राइब करिएगा, और आपसे